फिर आज हम जा रहे हैं अपने स्कूल फर्स्ट टाइम आफ्टर 3 साल बाद। गाइस ये है हमारी मोटो ब्लॉगिंग की फर्स्ट फुटेज। गाइस यार अभी हम थे अपने स्कूल पुरानी सारी यादें ताजा हो रही हैं। गाइस ये रही हमारी केमिस्ट्री लैब। अरे भारती सर इंग्लिश वाले सर पहले क्यों खा रहे हैं आप? खाए तो खा रहे हैं। अरे सर बच्चों का खाना है। वेलकम बैक विद अवर न्यू वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अपने स्कूल फर्स्ट टाइम आफ्टर 3 साल बाद। भाई बहुत मिसिंग कर रहा था मैं अपने स्कूल को। आज 12th वालों की फेयरवेल है तो सोचा मैं जाया जाए। मैंने फैकल्टी वगैरह से बात करी थी तो सर ने बोला आप ही का स्कूल ले आ जाओ। तो अभी चल रहे हैं हम अपने स्कूल SGS पब्लिक स्कूल। तो फटाफट चलते हैं अपना। आज मैं मोटो ब्लॉग करने वाला हूँ फिर उसके बाद जाते हैं सीधे यूनिवर्सिटी बट स्कूल जा रहे हैं हम। चलते हैं अपने स्कूल SGS पब्लिक स्कूल फटाफट से। तो गाइज ये है हमारी मोटो ब्लॉगिंग की फर्स्ट फुटेज जो आप देख रहे हैं। गाइज एक बार चेक करना कि समझ में मुझे भी नहीं आ रहा भाई क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। बट आप बताना कि कैसी लग रही है मोटो ब्लॉगिंग। एंड आवाज़ एक बार चेक करूँगा अंदर जाके क्योंकि भाई मुझे पता नहीं है क्योंकि जो मैंने माइक लगाया है उसका जो कवर होता है भाई वो अभी मेरे पे है नहीं क्योंकि भाई वो वाले सारे कवर मेरे खो चुके हैं। तो बस एक बार ट्राई करते हैं कैसी आ रही है। होप ये गुड आ रही होगी भाई। बस भारी भारी लग रहा है यार मुझे फर्स्ट टाइम में फोटो ब्लॉग कर रहा हूँ। तो यार बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अपने स्कूल जाने के लिए क्योंकि यार मैं बहुत दिन से सोच रहा था अपने स्कूल एक बार जाया जाए ट्राई कराया जाए बट यार कभी मौका ही नहीं मिला था मुझे ना। बट अब फाइनली मौका मिल चुका है तो सोच रहा हूँ मैं जाया जाए। एंड एक बार गाइस ये इन लोगों का ट्रक देखिए। सैल्यूट टू ऑल द ऑफिसर्स जितने भी भाई हैं इन सभी को सैल्यूट है भाई बहुत सभी का क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमें वो जो बिल्डिंग दिख रही है उधर साइड वाली जो उधर बिल्डिंग है वो है SGS। उसमें चलते हैं SGS अपने स्कूल में। भाई अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट है। बहुत एक्साइटमेंट है। चलते हैं फटाफट से मजा करने। तो गाइस ये रहा हमारा स्कूल। एंड गाइस यार बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो अंदर रियली जाने के लिए। अपनी स्कूटी पहले पार्क करते हैं देन इसे ऑफ मिलते हैं आप सभी को। तो गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं एंड हमारे सारी फैकल्टी। अरे वाह हाय तो करो। हेलो क्या हाल है भाई? बढ़िया सर। और कुछ बोलना चाहोगे? आज SGS पब्लिक स्कूल में फेयरवेल है जिसके उपरांत सभी अध्यापक बच्चों को याद करते हुए उनको अंतिम बधाई दे रहे हैं और उनके उत्सव में शुभकामना कर रहे हैं। अच्छा सर उज्जैन हम भी गाइस ऐसे ही पास हुए थे तो अभी हम आए यहाँ पे ब्लॉग बना। सर कुछ कहना चाहोगे? नहीं कहना चाहता हूँ। ओह बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे अभी ब्लॉग बनाते हैं देखते हैं प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस यार अभी हम थे अपने स्कूल में। गाइस वो वाली पुरानी सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। एक वो ब्रॉच सा लगाते थे यहाँ पे सभी को बांटते थे एंड अभी सील वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मैं सभी से मिलवाऊंगा आप सभी को। अभी मैं थोड़ा प्रिंसिपल सर वगैरह से बात कर रहा था एंड सारे फैकल्टी से बात कर रहा था जो भी अपनी पुरानी वाली है। नए वालों को तो मैं इतना पहचानता नहीं हूँ बट पुराने जितने भी उन सबसे बात कर रहा था एंड बस दिखाता हूँ आप सभी को। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे अपनी केमिस्ट्री लैब में एंड आप सभी को केमिस्ट्री लैब दिखाते हैं। भाई जहाँ हमने बहुत सारे कारिस्तानी करी हैं टेस्ट ट्यूब बहुत फोड़े हैं और जाई बीकर वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है सब चीज़ फोड़े हैं वो दिखाता हूँ मैं आप सभी को। अरे यार हमारे स्कूल में गोर कलयुग आ गया। लड़का देखो कौन से गाने पढ़ाने जा रहा था। भाई सब मूड बेकार कर दिया। हटाओ यहाँ से हम केमिस्ट्री लैब चलते हैं। तो गाइस अभी हम थे अपनी केमिस्ट्री लैब में एंड आप सभी को केमिस्ट्री लैब घुमाता हूँ। भाई बाहर डांस हो रहा था भाई लाजवाब हाय मजा कर दिया यार पूरा हमारे पूरा दिन याद आ गया यार बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस ये रही हमारी केमिस्ट्री लैब पूरी जिसमें हमने सब चीज़ें मिला रखी थी यहाँ पे एंड यहाँ पे सारे सामान वगैरह रखे हैं। एंड भाई पूरे दिन याद आ रहे हैं। मैं मेनली यहाँ पे फैकल्टी खड़ी रहती थी यहाँ पे और मैं यहाँ पे खड़ा होता था। भाई जितनी आग लगाई है ना सब मैंने लगाई होती है यहाँ पे ठीक है। एंड भाई ये वही वाली है इस वजह से पिंक कलर हम टपकाते रहते थे। भाई पुराने दिन याद आता गई बिल्कुल यार। अभी कोई और पॉसिबल हुआ तो मैं सोच रहा हूँ और कई सारी लैब दिखाई जाए। अभी बस थोड़ा सा ही देख रहा हूँ यहाँ पे डांस वगैरह। भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे यार रियली हमारे टाइम पे यार इतना हमने नहीं कर पाया था।
अपना कंफ्यूजन, तब जाके चार महीनों में स्टेबल हो पाए, फिर आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, पेपर निकल गए। नहीं दिया था विजयी भाई, लेकिन जिनके अंदर पोलाइटनेस थी और डिवोशन था, दे वर ब्लेस्ड विद विजयी भाई। तो हमारी तरफ से आपको भी ब्लेस्ड विद विजयी भाई। अभी हमारे साथ हैं हमारे फिजिक्स वाले टीचर अनुपम। अभी यहाँ पे डांस शुरू हो चुका है एंड हमारे साथ हमारे अनुप सर हैं। अभी हम दोनों घूमने जाएंगे। अनुप सर कुछ कहना चाहते बहुत सारा धन्यवाद सर। यहाँ पे फेयरवेल में गाइस आपको भी यहाँ पे फेयरवेल का एंड हो चुका है भाई, ऐसा लग रहा है जंगल से छूट के आए हैं बच्चे। तो गाइस ये है हमारा जो मेन ग्राउंड है एंड फेयरवेल का वो लगा है एंड ये हमारा पूरा मेन ग्राउंड है। इसके पीछे वाले ग्राउंड में मुस्लिम खेला करते थे क्योंकि बंक करके जाते थे ना, तो भाई हम यहाँ से इधर ही जाते थे बंक करने के लिए। एंड इसके बाद वाला स्विमिंग पूल अभी सब बंद कर रखा है, तो किसी दिन फुर्सत से आएंगे उस दिन वीडियो पूरी प्रॉपर बनाएंगे। एंड गाइज फेयरवेल अच्छी अच्छी लगी, बताता हूँ आप सभी को पूरी कहानी इसके बाद। सर इंग्लिश वाले सर पहले इतना पहले क्यों खा रहे हैं आप? अरे सर बच्चों का खाना है अभी, आप फाइनली खाना आ चुका है, बहुत तेज भूख लग रही है, तो सोचा खाना ही खा लिया जाए कि भाई कुछ तो मिला नहीं। एंड यहाँ पे बीकर वगैरह इतने टूटे पड़े हैं भाई, पूरा चट चट के बजा रही है, फेस पूरा बेकार हो चुका है क्योंकि धूप में बैठे थे हम इतनी देर से। खाने में दिखाता हूँ क्या क्या है हमारे, देखो एक नान है, ये सारी चीज़ें अब बस देख लेना, बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया था, उत्सव मुझे भगा के लगाया, तो बस फटाफट से खाते हैं एंड चलते हैं यहाँ से। मोटे अपना खाना खत्म हो चुका है एंड ये अपना हेलमेट है, चलते हैं फटाफट से। एंड यहाँ पे भी डांस चल रहा है, थोड़ा सा दिखाते हैं ये खाना, ऐसा पहले खाना खा दो फिर हम चलते हैं भाई, फेस की रेड मर चुकी है पूरा। ये भी डांस हो रहा है यहाँ पर पूरा, स्कूल को अलविदा बोलते हुए जाना पड़ रहा है। बस अपने फोटो व्लॉग शुरू करता हूँ। मैंने अभी चेक करा था तो इसमें थोड़ा सा बाहर नॉइस आ रही थी, बट अब देखते घर जाके वो सॉल्यूशन होगा क्योंकि अभी समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी देखता हूँ फिर सर से पूछता हूँ एंड वो बताएंगे क्या होगा, क्योंकि मतलब सर की शॉप है तो वो बताएंगे कि इसमें नॉइस कैंसिलेशन कैसे आ सकती है। तो चलते बटा सर ये उत्सव का है, उत्सव को दे देना। तो गाइस फाइनली वी आर बैक एंड भाई हम निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि बहुत हो चुका है लेट इट समय। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि लगाना पड़ेगा भाई, इसमें बहुत चक्कर है। एंड गाइस फाइनली ये जो था ना हमारी, ये वाली हमारी क्लास थी एंड मुझे तो ब्लर ब्लर दिख रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा इसमें। तो वी आर रेडी टू गो एंड राइड, फाइनली अपना कैमरा सारा सेटअप हो चुका है एंड अभी मैं जा रहा हूँ स्कूटी पे ही क्योंकि गाइस बहुत देर होने वाली है। मुझे लग रहा है एक जो मेरे पे पता लगा मुझे कि दो वाइजर हैं, एक निकालना पड़ेगा, दिखाऊंगा आप सभी को जब इसका रिव्यू करूंगा पूरा फुल। तो गाइस हियर इज अवर स्कूटी भाई, कल का साइलेंसर बज रहा है इसमें, इसे बाय बोलने की बारी आ चुकी है, इट्स टाइम टू लीव। गाइस यार मोटो ब्लॉग इज नॉट सो गुड भाई, आज फर्स्ट टाइम कर रहा था ना भाई, मुझे पता है मेरी जो लगी है रियली बता रहा हूँ फट के हाथ में आ गई है, बिकॉज यार सारी चीज़ें बैलेंस करने ना बहुत मुश्किल होता है जो कि बहुत देख के करनी पड़ती हैं। इसमें गाइस चश्मा ही लगा रखा है ना मैंने भाई, बहुत ही मुश्किल से लगा रखा है क्योंकि चश्मे वाले को जो मेन प्रॉब्लम होती है ना भाई, बहुत बहुत होती है क्योंकि ऊपर से पूरा हेलमेट का वेट आ रहा है एंड जो कि हमने कैमरा लगा रखा है ना भाई, वो एक नेक्स्ट लेवल होता है, इससे बहुत पेनफुल है यार ये सिचुएशन, रियली बता रहा हूँ। नहीं तो भाई थक गया यार, ऐसा लग रहा है, मैंने रियली बता रहा हूँ मैं सिर पे कोई बांध के रखा है। एंड व्हाट अबाउट माय फेयरवेल, जो कि आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो कि गाइस देखो हमारी जो मेन फेयरवेल हुई थी ना, मतलब
पुराने दिन याद करने गया था मैं, इतना वो नहीं था एंड उत्सव जो है वो उसी का फेयरवेल भी था, तो मैंने सोचा अपने ये सारे फैकल्टी वगैरह से बात करके मिल लूँ, एंड अभी कुछ टीचरों से नहीं मिल पाया था मैं, बस हाय हेलो हो गई, मैं चलता बनाऊँ क्योंकि भाई बहुत देर हो गया था वहाँ पे, तो इतना नहीं रुक सकता था, बट इवन और फेयरवेल इज़ सो गुड यार, पुराने दिन याद करें, मैंने खाने को खाया ना भी मिला और भाई बहुत ही अच्छा लगा। और मैं स्पीड में मेनली इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि भाई अगर स्पीड में चलाता हूँ तो उसमें थोड़ा जो वॉइस कवर होती है ना मेरी वो कम हो पाती है, तो इसलिए थोड़ा मैं स्पीड भी नहीं मेंटेन कर रहा हूँ, बट अदरवाइज आई विल स्पीड में मेंटेन कर सकता हूँ। बट यार बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपना फर्स्ट मोटो ब्लॉग करते हुए भाई, आई लव दैट, आई जस्ट वॉन्ट टू रीच हाउ मच स्पीड आई गेन, भाई मैंने हेलमेट लगा रखा है, देखते हैं आज इतनी स्पीड कर सकते कितनी गेन कर सकते। गाइस अभी बस इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बताइए ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को, होप आपको ब्लॉग भाई अच्छा लगा हो क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मोटो ब्लॉग करा है, तो भाई प्लीज़ समझ लेना यार थोड़ा सा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।